का। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल शर्मीली ने घर में कदम रखा ही था कि तभी पुट्ठा शर्मीली से गुस्से में बोला, देखो शर्मीली, अगर गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब मर्जी चाहोगी तुम घर में आ जाओगी। पुट्ठा की बात सुनकर शर्मीली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो। अगर इतनी गर्मी में पत्नी काम कर रही है तो उल्टा रौब झाड़ रहे हो। रोब नहीं झाड़ रहा शर्मिली, टाइम देखो, रात के 8 बज रहे हैं, ये कोई वक्त है घर आने का? पड़ोस की निर्मला ताई के घर पर थी, वहाँ कूलर की हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तो फिर क्यों आ गई? कंबल ओढ़कर निर्मला ताई के घर पर ही सो जाती। देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसमें दिमाग खराब करने वाली बात क्या है, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। निर्मला ताई का पति पूरे गाँव में छिछोरेपन के लिए मशहूर है, तुम्हारी चिंता होती है मुझे। हाय हाय, अरे चिंता मेन, बड़ी चिंता करने वाली बने करते हो। इतनी ही अगर चिंता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो तुम्हें चिंता होती है? हर बात का उल्टा मत लिया करो शर्मिली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गर्मियों में मुझसे भी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। आप तो अपनी बात मत ही करो जी, आपको तो सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बरसात में तो ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं, बस आपको तो पूरे साल निठल्ले बनकर घूमना है, पत्नी पर हुक्म चलाना है। तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है। तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, इसलिए आपको पत्नी की चिंता हो रही थी। इतना कहकर शर्मिली ने टिफिन पुट्ठा की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, यही खाकर गुजारा कर लीजिए। क्या दाल? लेकिन तुम तो कह रही थी कि बिरजू जमींदार के यहाँ पर आज दावत है, चिकन बना होगा। हाँ बोल रही थी, लेकिन उनके यहाँ मेहमान ज्यादा हो गए तो चिकन खत्म हो गया। हे भगवान, कैसे जानवर हैं, सारा का सारा चिकन खा गए। हाँ खा गए। और सुनिए, कल से आप खुद काम करोगे, मैं कल कहीं काम पर नहीं जाने वाली। अचानक ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी तुम? देखो जी, आज खेतों में गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। एक तो हमारे घर में ना पंखा है ना कोई कूलर, पड़ोस की निर्मला ताई के यहाँ कितना बड़ा कूलर लगा है तुम्हें पता है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझे एक निकम्मा पति मिला जो मुझे कूलर तो क्या एक पंखा तक ला कर नहीं दे सकता। पुट्ठा गुस्सैल स्वभाव का था, शर्मीले के कहने पर उसे काफी गुस्सा आ गया। तुम जरा सा काम क्या करके आती हो, मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है? जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं खुल कर बोल रही हूँ कि मैं आपको इस वक्त जलील कर रही हूँ, जाइए जाकर कुछ काम कीजिए। नहीं तो इस बार की गर्मी में तुम और कर लो। बिल्कुल नहीं जी, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में कूलर चाहिए, बगैर कूलर के मैं कोई काम नहीं करूँगी, यहाँ तक कि घर का भी कोई काम नहीं करूँगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस बार मैं अपने मायके जाकर तुम्हारे आलस पने की करतूत अपने भाइयों को बता दूंगी। फिर याद रखना, पिछली बार जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो ठुकराई की थी ना, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है। शर्मीली की बात सुनकर पुट्ठा चुप हो गया, क्योंकि शर्मीली के भाई भाइयों ने आलस की वजह से ही उसको बुरी तरह से पीटा था। रात भर सोचता रहा कि कूलर का इंतजाम कहां से होगा। था दूसरे दिन घर से बाहर निकला ही था कि ठेले पर शिकंजी बेच रहा मजाकिया मंगतलाल उसकी ओर देखकर बोला, अरे क्या हुआ पुट्ठा भैया, इतनी गर्मी में कैसे निकल आए? तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। अरे पुट्ठा भैया,
तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। भाभी वैसे भी कितनी सुंदर है, गांव वाले भाभी को छेड़ छेड़ कर उनका बुरा हाल कर देंगे। हाँ, पुट्ठा पत्नी की बात को लेकर वैसे ही बहुत परेशान था। मंगतलाल के मजाक ने उसका पारा हाई कर दिया। पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा मंगतलाल के गाल पर जड़ दिया। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम देख तो लिया कर सामने वाले का मूड कैसा है। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। अरे क्या हो गया पुट्ठा, क्यों बेचारे मंगतलाल को मार रहा है। देखिए ना मुखिया जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया, पुट्ठा भाई ने तो मेरे गाल पर चाटा ही जड़ दिया। पुट्ठा ये सब क्या है, मंगतलाल भी हमारे ही गांव का है, तुम्हें किसी को इस तरह से चाटा मारने का कोई अधिकार नहीं। मुखिया जी एक तो वैसे ही मैं परेशान था, ऊपर से ये मुझ पर मजाक किया जा रहा है। अबे अगर कोई तुझसे मजाक करेगा तो तू उसको थप्पड़ मार देगा क्या है। अभी मैं तुझसे अगर मजाक करूं तो क्या तू मेरे भी थप्पड़ मारेगा। आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूं, तो तू आदमी देखकर सबको मारता है। मुखिया जी आप तो जानते हैं मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से मेरी पत्नी ने एक हफ्ते का मुझे अल्टीमेटम दिया है। उसने बोला है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे कूलर खरीद के नहीं दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी सो अलग। पुट्ठा की बात सुनकर मुखिया मूंछ पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला। तो ये बात है, और तू ये सोच सोच कर चिंता कर रहा होगा कि तेरी औकात तो पंखा खरीदने की भी नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से ला कर देगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होती नहीं है। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल गर्मी ज्यादा पड़ रही, नहीं तो। हाँ हाँ पता है, गर्मी में तुझसे काम नहीं होता और सर्दी में तुझे सर्दी बहुत लगती है और बरसात में ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। वैसे तेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं कहा। आप तो गांव के मुखिया हैं, मेरी मदद करने के बजाय आप उल्टा मेरी पत्नी की तरफदारी कर रहे हैं। देख पुट्ठा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता। आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का है, जैसा कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाता रहता है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से हंसता हुआ चला गया। पुट्ठा एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। भगवान के नाम पे कुछ दे दे। पुट्ठा ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। अरे जा यहाँ से, वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अरे एक रुपया ही तो मांग रहा हूँ। अरे बोला ना जा यहाँ से, बहुत गुस्से में है, लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। अबे जाता है कि नहीं है, नहीं तो तू मार खाएगा। हाँ लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। क्या बोला क्या बोला, भिखारी कहीं का है, बोल तो ऐसे रहा जैसे कोई ज्योतिषी हो। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ, दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। पुट्ठा ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तू बहुत पिटने वाला है। पुट्ठा का पारा वैसे भी हाई था, उसकी बात से और ज्यादा हाई हो गया। लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ हाँ मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने ये कहा ही था कि पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चांटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। ये क्या था भाई, इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है, और तो और तू बैठे बैठे सारे लोगों का भविष्य बता सकता है,
तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू ही पिटने वाला है, है?